सोलन के माल रोड पर देर शाम पुलिस ने राइजिंग डे मनाते हुए नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। नुक्कड़ सभा की अध्यक्षता एसपी मोहित चावला ने की। इस मौके पर सभी पुलिस अधिकारी आम जनता को आदेश और निर्देश देते हुए नहीं बल्कि खुशनुमा माहौल व दोस्ताना अंदाज में बातचीत करते नजर आए। इस मौके पर सोलन शहर की जनता ने खुलकर पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखी। लोगों ने पुलिस अधिकारियों से शहर में यातायात जाम से निजात दिलवाने, रेस ड्राइविंग, ओवरलोडिंग, बेवजह चालान होने व शहर में भिखारियों की बढ़ती तादाद जैसी कई समस्याएं रखी। वहीं अधिकारियों ने आम जनता को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और ट्रैफिक नियमों, पुलिस कार्यप्रणाली की विस्तार से जानकारी दी और उनकी समस्याओं को जल्द निपटाने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि वह पहली बार पुलिस राइजिंग डे मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस निर्भीक, निडर, निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ होकर किस प्रकार कार्य करती है, इसकी जानकारी शहरवासियों को दी जा रही है ताकि शहर वासियों के बीच सह संबंध बने और वह बिना किसी खौफ के अपनी बात पुलिस के समक्ष रख सके। इस मौके पर आम जनता द्वारा रखी गई समस्याओं को जल्द निपटाने का भी आश्वासन दिया गया। हिमाचल पुलिस का राइजिंग डे है जो हम 7 और 8 को मना रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माल रोड एसोसिएशन, होटलियर एसोसिएशन का कि आज यहाँ नुक्कड़ सभा कम्युनिटी पुलिसिंग इंटरेक्शन का आयोजन किया गया। इसमें हमारी सारी टीम यहाँ मौजूद रही और व्यापारी भाई सबसे एक बहुत हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन रहा है। कुछ समस्याएं भी सुनने को मिली और इसमें आश्वासन यह है कि कार्य किया जाएगा और इट्स बहुत हेल्दी साइन है कि बहुत अच्छी कॉपरेशन है सभी वर्ग की, क्योंकि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी ये पुलिस और पब्लिक का आपस तक कनेक्ट है और सोलन पुलिस इसको ऑनर करता है।